आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 जो कि है हमारा कंट्रोलिंग। सबसे पहली चीज इसके अंदर यही आती है दैट व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का ऑब्वियस है मेन मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, बट मेनली कंट्रोलिंग इज डिफाइंड एज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। हम एक परफॉर्मेंस को प्लान करते हैं प्लानिंग चैप्टर में, और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है और जो हमने प्लान करी होती है कि हमें इस काम को ऐसे करना है, हम उस एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस को इस चैप्टर के अंदर कंपेयर करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इन दोनों परफॉर्मेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्या डेविएशन है, और अगर कोई डिफरेंस नहीं होता देन इट्स फाइन, बट वेन देर इज अ डेविएशन और अ डिफरेंस तो हम कंट्रोलिंग के अंदर कुछ मेजर्स लेते हैं, कुछ स्टेप्स लेते हैं ताकि हम उन डेविएशन को सही कर सके, सो दैट इट कुड मैच टू द प्लान परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं ऑन नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे पहला नेचर होता है कंट्रोलिंग का दैट इट इज एन गोल ओरिएंटेड फंक्शन। सारे जितने भी फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, सबका मेन फोकस होता है ऑन द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। सिमिलरली कंट्रोलिंग का भी यही है कि कंट्रोलिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो हमारा एम है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, दैट कुड बी अचीव्ड प्रॉपरली। सेकेंड आता है इसका, इट इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मतलब होता है प्रेजेंट एट ईच एंड एवरी लेवल, दैट इट कुड बी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। यानी कंट्रोलिंग हर लेवल पे चाहिए, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल हो या चाहे लोअर हो। तीसरा होता है कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि परफॉर्मेंस हमने पास्ट में प्लान करी थी, और अब पास्ट परफॉर्मेंस या प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए क्योंकि कंपेयर करने के बाद हम आगे की सोचते हैं, दैट इज उन डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लेते हैं। चौथा होता है कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिर्फ एक प्लान को कंट्रोल करके वी कैन नॉट स्टॉप, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जब प्लानिंग कंटिन्यूअसली होती है तो कंट्रोलिंग भी कंटिन्यूअसली होगी। नाउ वी कम ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग की सबसे पहली इम्पोर्टेंस है दैट इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे मेन मोटिव, सबसे बेस्ट मेन इम्पोर्टेंस इसकी होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका गोल एज प्लान्ड अचीव हो सके। सेकेंड आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। अब जब हम इसमें प्लान्ड स्टैंडर्ड्स को या प्लान्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, तब हमें ये भी रियलाइज होता है, ये भी पता लगता है कि जो हमारी प्लान परफॉर्मेंस है, क्या जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक्यूरेट है या नहीं है। तीसरा आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली यूटिलाइज हो, दैट इज वो सारे प्रॉपरली यूटिलाइज हो और कोई भी रिसोर्सेज का वेस्ट ना हो। चौथा आता है इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। इम्प्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन का ये मतलब होता है यहाँ पे कि जब हमारी एक परफॉर्मेंस हो गई है और जब हम उस परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, तब हमें अपनी गलतियाँ रियलाइज होती है, वो गलतियाँ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को समझाती है, दैट इज दे गेट मोटिवेटेड। उनका जो मोरल है वो बूस्टअप हो जाता है कि उन्हें इस काम को ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। दे हैव अ गाइडेंस, दे हैव अ लीडर हु गाइड्स देम प्रॉपरली, जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होता है। पांचवा आता है इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग ये मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर एक चीज बहुत अच्छे से चले, कंट्रोल से सारा काम प्रॉपरली कंप्लीट हो जाए, दैट इज इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ये भी चेक करता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसऑनेस्ट नहीं है, और ये हर एम्प्लॉय के काम को मॉनिटर करता है, नजर में रखता है कि इस एम्प्लॉय ने इस काम को इस तरीके से कंप्लीट करा है। छठा आता है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सबके एफर्ट्स को सिंक्रोनाइज करना, एक साथ लेकर चलना। तो कंट्रोलिंग भी हेल्प करता है कि और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो, सब एक काम बेहतर कोऑर्डिनेशन से यूनाइट होकर करें। सातवां इसके अंदर आता है कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को अपनी गलतियां पता लगेंगी, दैट वेयर दे आर लैकिंग, कहाँ वो पीछे रह रहे हैं, और वो उस काम को ठीक करने के लिए कुछ करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी। आठवां इसमें आता है हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, बेसिकली अगर छोटी छोटी डेविएशंस होती है ना, तो उन पर फोकस नहीं करा जाता है,
मेनली जो ज्यादा बड़ी डेविएशंस होती हैं, कोई सीरियस मैटर होता है, उन पे एक ऑर्गेनाइजेशन फोकस करती है, तो जिसकी वजह से जो हमारी मिस्टेक्स है, हमारे एरर्स हैं, वो कम होते हैं। अब हमारा कंट्रोलिंग में जो टॉपिक आता है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड। प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, ये एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। दैट इज प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग भी होगा, प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई काम नहीं है। सो दे बोथ आर इंटरलिंक्ड, हर काम में ये दोनों एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। दैट इज दे बोथ आर रिलेटेड टुगेदर। सेकेंड आता है हमारा कि प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्लानिंग कर ली है, हमारा सब प्लान्ड है, बहुत अच्छे से हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया, बट कंट्रोलिंग में क्या होता है, हमें डेविएशंस पता लगती हैं, वीकनेसेस पता लगती हैं, हम अपने रिजल्ट को कंपेयर करते हैं। अगर हम अपने रिजल्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, दैट इज इफ वी डू नॉट कंट्रोल आवर प्लान, तब उस चीज का फायदा क्या है, क्योंकि हमें अपनी गलतियां नहीं पता लगेंगी, और जब गलतियां नहीं पता लगेंगी तो हम उन्हें करेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो इट वुड लीड टू हमारी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सो दैट इज प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। तीसरा आता है कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। अगर हमने कंट्रोल कर लिया, अगर हमने कुछ प्लान ही नहीं करा, वी डोंट हैव अ स्टैंडर्ड प्लान, वी डोंट हैव एन एक्चुअल प्लान, तो हम कंपेयर किस चीज को करेंगे व्हेन वी हैव नॉट प्लान्ड एनीथिंग। सो दैट इज कंट्रोलिंग विदाउट प्लानिंग इज ब्लाइंड। लास्ट आता है पॉइंट इसमें, दैट बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग। दैट इज सबसे पहले प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग क्यों है, हमें पता है प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है, हम इसमें आगे की सोच कर कुछ प्लान करते हैं। प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि हम इसमें जो स्टैंडर्ड प्लान सेट है उसको कंट्रोलिंग में चेक करते हैं, तो प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि हमें इसमें स्टैंडर्ड प्लान भी देखना पड़ता है। अब कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम आगे का सोच के करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, उन डेविएशंस को करेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। और कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्लान को कंपेयर करते हैं। और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग इसलिए भी होता है क्योंकि हमें इसमें पास्ट एक्सपीरियंसेस को नजरअंदाज रखते हुए या उन्हें ध्यान में रखते हुए अपना प्लान बनाना पड़ता है। हम आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस पे। कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल, इट इज जस्ट इन 5 सिंपल स्टेप्स। सबसे पहले इसके अंदर आता है सेटिंग अप टारगेट्स। सेटिंग अप टारगेट्स में मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट दे आर प्लान परफॉर्मेंस या सेट अप टारगेट। अब कुछ अचीव करना है तो उससे पहले हमने कुछ प्लान किया है, वी हैव टू सेट कि हमें ये चीज करनी है। दैट इज फॉर एग्जांपल, हम अगर हमें अपनी सेल को 20 लाख से बढ़ाना है, प्रॉफिट को 20 लाख से इंक्रीज करना है, या कॉस्ट को रिड्यूस करना है बाय 5%। अब जो हमारे स्टैंडर्ड्स है, दैट कुड बी क्वांटिटेटिव और दैट कुड बी क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है दैट इज मेजर्ड इन नंबर्स, लाइक कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल। और ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, दैट इज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्टेप, इसमें मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस। अब हमने स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया, ठीक है, अब हमें अपनी परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेजर करना है। दैट इज अब हमें उस काम को परफॉर्म करना है जो हमने सेट किया था, उसके हिसाब से वी हैव टू परफॉर्म। तीसरा आता है कंपेयरिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट स्टैंडर्ड। अब हमारे पास टारगेट भी है और हमने उस काम को परफॉर्म भी कर लिया, नाउ वी कंपेयर बोथ ऑफ द परफॉर्मेंसेस। दैट इज यहाँ पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं कि वेयर वी आर लैकिंग, व्हाट आर द डेविएशंस। फोर्थ आता है एनालाइजिंग डेविएशंस। अब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम एनालाइज करेंगे कि ये डेविएशंस हुए हैं, ये डेविएशन हुआ है, और ये डेविएशंस किस वजह से हुए हैं। तो एनालाइजिंग डेविएशंस के अंदर देयर आर टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये आपकी केस स्टडीज में भी आ सकती हैं। तो पहला होता है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का क्या मतलब हो रहा है, इसके नाम से ही मैं पता लग रहा है, दैट इज वी हैव टू फोकस ऑन सम क्रिटिकल एरियाज, यानी जहां पर अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जो मेजर प्रॉब्लम्स है हमें वहां पर फोकस करना है। हमें माइनर डेविएशंस को इग्नोर करना है, बट वी हैव टू फोकस ऑन द इम्पॉर्टेंट की एरियाज। तो फॉर एग्जांपल, अगर क्या हो रहा है, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 5 रुपए से कम हो रही है, ठीक है, और पोस्टल कॉस्ट 20 रुपए से बढ़ रही है,
और प्रोडक्शन कॉस्ट हमारी 5 रुपए से बढ़ गई, तो हमारा मेन फोकस कहाँ होना चाहिए? ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट और ऑन द पोस्टल कॉस्ट. पोस्टल कॉस्ट इज अ माइनर डेविएशन, तो हमें फोकस करना है अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट पे, क्योंकि सारी परफॉर्मेंस हमारी प्रोडक्शन पर डिपेंड करती है. तो दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का ये कहना होता है कि अगर हम एक साथ सारे काम करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. दैट इज इफ अ मैनेजर ट्राइज टू कंट्रोल एवरीथिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम, ही मे एंड अप डूइंग नथिंग. तो हमें एक टाइम पर वी हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर वन थिंग. हमें एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करना है. इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं. अगर हम एक टाइम पे फोकस करेंगे, एक काम हमारा बहुत अच्छे से परफॉर्म होगा, तो इट सेव्स टाइम, इट सेव्स एफर्ट्स, इट लेट द मैनेजर फोकस हिज अटेंशन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर. टाइम और एनर्जी का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा. और क्रिटिकल और सिंपल प्रॉब्लम एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि हमें इन प्रॉब्लम्स पर ही फोकस करना है. लास्ट कंट्रोलिंग प्रोसेस में आता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स. अब हमने डेविएशंस एनालाइज कर लिए. मेजर डेविएशंस ये हैं, माइनर डेविएशंस ये हैं, ये डेविएशंस के ये कॉजेज हैं. नाउ वी हैव टू करेक्ट दोज डेविएशंस. अब हमें उन डेविएशंस को करेक्ट करना है, कुछ स्टेप्स लेने हैं सो दैट हम उन डेविएशंस को अच्छे से करेक्ट कर सकें. सो दैट इज अप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस. सो कंट्रोलिंग बहुत एक छोटा सा चैप्टर है, इट इज लिटरली वेरी सिंपल. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरे बोले हुए कंटेंट से कुछ थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.